नमस्कार दोस्तों, जसवीर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की, जो मुझे 7 महीने वेट करने के बाद मुझे मिला है। और इस चैनल पर ये फेस कैम को लेकर मेरा पहला वीडियो है। इस चैनल पर कभी मैंने वीडियो में अपने फेस अभी तक नहीं दिखाया है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है, ये 7 महीने के वेट करने के बाद मिला है। और इसके बेनिफिट क्या है, चार्जिंग क्या है, हम इस वीडियो में सब कुछ कवर कर देंगे। और क्रेडिट कार्ड को लेकर ये मेरा इस चैनल पर सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो मैंने SBI क्रेडिट कार्ड को की लिमिट को इंक्रीज़ करने के बारे में बताया है। तो इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रेडिट कार्ड को लेकर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये एक पाउच है, ये मुझे अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। ऐसी तरह का रैपर था, हमने इसको ओपन कर रखा है। ये देखिए, कुछ इस तरह का इसमें रैपर आता है और यहाँ पर कार्ड लगा होता है। इसको मैंने पहले ही ओपन कर लिया, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इन नंबरों को हिडन करना था। और यहाँ पर एड्रेस दिया होता है, जैसे मेरा नाम है जसवीर सिंह, इसके वजह से एड्रेस हमने छुपा दिया है। और ये देखो, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 85,000 है, इंटरनेशनल भी 85,000 है, और कैश विदड्रॉल की लिमिट है 25,500, ज्वाइनिंग फ़ी 500, एनुअल फ़ी 500, प्लस में GST होता है, जो यहाँ पर नहीं दिखा रखा नंबर पे। ये कार्ड मेरा 28 अप्रैल के लगभग मुझे मिला है, और लॉकडाउन की वजह से 21 दिन लॉकडाउन था, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। और एक महीने से ज़्यादा इसको हो गया, 1.5 महीने के आसपास इसको हो गया है। 1 महीना मैंने यूज़ भी कर लिया है। मुझे 28 अप्रैल को रिसीव हो चुका है, उससे पहले 2 दिन पहले 26 अप्रैल के करीब इसका जो चार्जिंग था 590 रुपये, वो मेरे अकाउंट से कट गया। और मुझे ये 15 मई को जो पहला बिल बना है, उसमें ये ऐड हो चुका है। हर महीने की 15 तारीख को इसका बिल जनरेट होता है। मैंने इसको यूज़ किया, एक शॉपिंग करके देखा, एक मोबाइल परचेज़ किया मैंने फ़िलहाल थोड़े दिन पहले, उसमें मेरे को 500 रुपये का जो कैशबैक है, इसमें अच्छी तरह से मिल चुका है, सही से मिलता है। शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। मेरा जो प्रोसेस था, वो मुझे चाहिए था कार्ड, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, और या पर्सनल यूज़ के लिए भी हम यदि कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो मेरी तरफ से बढ़िया कार्ड है गूगल पे का जो एस क्रेडिट कार्ड है, ACE गूगल एस क्रेडिट कार्ड है, जो बिल पेमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, रिचार्ज के लिए, DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, सब में 5% कैशबैक ये देता है। मुझे ये चाहिए था, लेकिन यदि जब मेरे को ऑफ़र मिला, तो मेरे पास यही कार्ड का ऑफ़र था। 3 कार्ड थे, इंडियन ऑयल, और एक था माइजोन, एक ये था माइजोन फ्री था, इंडियन ऑयल का 590 रुपये चार्ज था, और फ्लिपकार्ट जो ये कार्ड है, इसका 590 रुपये चार्ज था। तो मुझे ये हाई लेवल का कार्ड, तो मैंने ये लिए। इसके बाद 3 महीने बाद मुझे गूगल पे एस में अपडेट मिल जाएगा, मैंने कंफर्म किया कस्टमर केयर से, तो मैंने इसलिए ले लिया। इसके बाद आसानी से मुझे वो मिल जाएगा। उसमें जो 5% कैशबैक है फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और टू गुड पे है, 4% है इन पर गाना गो आई बीबो मेक माई ट्रिप PVR ओवर इन पे है, और 1.5% है जो अदर पार्टनर पे है, जैसे कि ऑल अदर पार्टनर, जैसे कि हम रिचार्ज वगैरह भी, बिल पेमेंट या अदर वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजोन पे करते हैं, 1.5% हर जगह मिलेगा। सिर्फ फ्यूल पे नहीं मिलेगा, फ्यूल डलवाते हैं और कोई भी वॉलेट रिलोड करते हैं, जैसे पेटीएम में और पेजैप में, ऐसे ही अमेजोन में, इनमें 1.5% नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इनमें। मैंने 1 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा कार्ड है शॉपिंग के लिए। यदि आपको बिल पेमेंट के लिए चाहिए, रिचार्ज के लिए चाहिए, जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट शॉपिंग की कम है, शॉपिंग भी है, तो मेरे पास अमेजोन का मुझे मिल चुका है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ कि ये मुझे मिला है, कैसे मिला है ICICI का अमेजोन पे शॉपिंग के लिए। मेरे पास ये है, ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। इसका जो चार्ज है 590 भी है। इसके लिए मुझे कार्ड, इसकी रिक्वायरमेंट कम थी, मुझे गूगल पे का इस क्रेडिट कार्ड चाहिए था, जो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं मिला। इसके बाद मुझे अपग्रेड के तौर पर मिल जाएगा, मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके बात की है, जो 3 महीने होने के बाद हम इसमें अपडेट ले सकते हैं, अपग्रेड में हो जाएगा। ये चाहे तो हम ये रख सकते हैं, चाहे तो हम इसके साथ इसको बंद करके न्यू कार्ड गूगल पे जो मुझे चाहिए वो भी रख कर सकते हैं, इसको बंद करके न्यू ले सकते हैं। मतलब
इसमें 5% कैशबैक है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, मुझे यही चाहिए था क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मैं काफ़ी रिचार्ज और भी पेमेंट्स करता रहता हूँ पर्सनल के लिए, और कुछ वैसे भी मेरे पास बिल पेमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं मुझे कैशबैक कमाने के लिए मुझे ये कार्ड चाहिए। तो मेरी जो निशाना है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे गूगल पे का ऐसे क्रेडिट कार्ड लेना है, तो इसके बाद हम इसको लेंगे, जब भी हमको मिल जाएगा हम इसके बारे में वीडियो आपको बना के देंगे। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है शॉपिंग के लिए, यदि आपको लेना हो तो काफ़ी अच्छा कार्ड मिल रहा हो तो ले लीजिए। मुझे कैसे मिला अभी इसको इसमें ऐड करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में आएगा ये मुझे कैसे मिला। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।